तो क्यों जलाए थे? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए सभी लोग। हाय दोस्तों, हाय करो छोटी। देख लीजिए हो गया उसका हाय। तो दोस्तों आज सभी लोग खुश हैं क्योंकि एक गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज हम आप लोगों को बताएंगे अभी और शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों अभी दिखाते हैं आप लोगों को और देखिए छोटी इधर नहा रही है और अर्चना कहाँ हो? पूरा ये बच्चा लोग यहीं पे खेल रहे हैं और इसी में इन लोगों का। और दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमारे यहाँ आग लगा था, तो ये देखिए इधर ये एक झोपड़ी हम लोग यहाँ बनाए हुए थे और इसको इसमें आग लगा था। तो इस चीज़ को आप लोग देखे होंगे पिछला वीडियो में, जो भाई देखे होंगे वो जानते होंगे ये पूरा जला हुआ है। हाँ ये बड़ा आगे थोड़े बता दूंगा, पूरा जल चुका है दोस्तों। यहाँ एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ था तो उस चीज़ को भी बताएंगे कि क्यों जल गया है और कैसे जल गया। तो दोस्तों आप लोगों को गुड न्यूज बता रहे हैं हम लोग और देखिए इसमें थोड़ा सा गाय लोगों का तबीयत ख़राब है तो दुख का बात है, लेकिन इसी में एक गुड न्यूज मिला है, बहुत खुशी का बात है। और देखिए अभी ये भी नहीं खा रही है, इसे चारा लेकर के खड़ी है और जुगाली कर रही है। आइए अर्चना की मम्मी भी आ रही हैं और देखिए इनको। तो ये अतवरिया अपना इधर उसमें मुंह डाली हुई है लेकिन पूरा मन से खा नहीं रही है और इसी ने अतवरिया ने दी है गुड न्यूज़ दोस्तों। जो भाई नहीं जानते हैं, जो लोग पिछला वीडियो देखेंगे वो तो जानते ही होंगे। तो गुड न्यूज हमारा देखिए ही पकड़ लिया है और ये देखिए गुड न्यूज हमारा ये देखिए। हाँ और दोस्तों ये देख लीजिए कि ये गुड न्यूज आ गया है और अभी आप लोगों को मन में ये होता होगा कि क्या है, बछड़ा है या बछड़ी है। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि ये शीतल की बहन है, बछड़ी है और आप लोग भी इसका कमेंट में नाम बताइएगा क्योंकि शीतल का नाम आप ही लोगों ने बताया तो शीतल का नाम हम लोगों ने रख दिया। और देखिए कितना सुंदर है, है? बोलो। और देखिए छोटी सी है, एकदम बहुत छोटी सी है, इतना छोटा बछड़ा ये कभी नहीं दी थी, बहुत तगड़ा बछड़ा देती थी लेकिन पता नहीं इस बार क्यों। तो इसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। और ये देखिए अर्चना की मम्मी अभी ला करके इसको दी हुई है, गुड़ है और थोड़ा दाना है, देखिए आप लोगों के सामने लो, गुड़ और दाना से भाग रही है, लो लो खाओ, देखिए कितना डर के भाग रही है, लग रहा है इसमें कोई काटने वाला चीज है, इस तरह से इन लोगों का असर हो गया है। और इसी नहीं खाने के टाइम में ही ये बच्चा दे दिया है तो खा भी नहीं रही है, आप सोचिए कितना दुख का बात है और गुड न्यूज भी है। तो एडजस्ट तो कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, अच्छे बहुत अच्छी है ये। और इधर बच्चा लोग खेल रहे हैं सड़क पे। और शीतल को भी दिखा दे, शीतल, ओए शीतल, लो 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 आ लो लो हेलो लो 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 लो, देखिए जान रही है कि रोटी लेके आए हैं, लो लो। तो रोटी नहीं है, कहा है कहा है, हाँ खाएगी शीतल। तभी शीतल ठीक ठाक है, अभी ये खा पी रही है लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों के साथ। ये लोग देखिए चारा चोकर सब चोकर पूरा है और इधर देखिए इधर ये गुड़ है और थोड़ा दाना पानी है और इधर चोकर पूरा सानी लगाए हुए हैं, चुपचाप लेकर के ये लोग देख रहा है। और ये तो इसको तो और दिक्कत हो गया, बच्चा दे दिया इसी में और इसी में खा भी नहीं रही, तो परेशानी ही परेशानी है और ओझा सोखा और डॉक्टर सब फेल। तो पता नहीं अब भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए चोकर डाला गया अभी, अर्चना की मम्मी देखिए ला करके डाली हुई हैं, हाथ में भी ली हैं
डालने से कोई फर्क नहीं है इन लोगों को कि क्या डल रहा है उसमें, नहीं तो यही चोकर पहले थोड़ा सा ऐसे झुठला देने पर ये लोग खाना चालू कर देता था। देख लीजिए उसको भी दे रही हैं, कोई फर्क नहीं, उसमें मुंह तक नहीं लगाई कि क्या डाले हैं, ऐसा दशा हो गया है, अंदर से आदमी रो रहा है। लेकिन अब छोड़ दिए, कोई दवाई भी, दवाई पिलाने में इतना परेशानियां हो रहा है कि आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि कैसे 10-10 लोग मिल करके इसको और दवाई पिलाते हैं। इसको तो नहीं करते थे ज़बरदस्ती, हमको पता था कि ये बच्चा देने वाली है इसीलिए। तो दोस्तों गुड न्यूज है, साथ साथ बैड न्यूज भी है कि दुख का बात है कि ये लोग खा नहीं रही हैं, सब परेशान हम लोगों को कर रहे हैं लोग, और पता नहीं कौन कौन, भगवान जाने उनको, और भगवान ही उसका भरपाया करेंगे। उन लोगों के साथ भी ऐसा होगा, ऐसा बात नहीं है कि हमारे ही साथ हो रहा है। अगर हम किसी को रोवाते हैं तो कल हम भी रोएंगे, ऐसा बात तो पक्का है 100%। तो दोस्तों ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था, और अभी भी कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। अभी से भी लोग अगर यदि अच्छे से रहें, रहने दें तो ठीक रहेगा, हम यही कहना चाहेंगे। और चाहे हमारे गांव से हो या बाहरी से हो, कोई भी हो, अगर हमें इनको परेशान कर रहा है गायों को, तो ऐसा ना करें भाई, सबको हमारे तरफ से नमन है कि आप लोग ऐसा ना करें। और ये देखिए इसका सुंदरता देखिए आप लोग, दिल एकदम खुश हो जा रहा है इस बछड़ी को देखकर। और बहुत छोटी है, समझिए कि इसका वजन इतना कम है कि बहुत कम, और सभी गायें बछड़ा देती है, ये भी देती है, लेकिन बड़ा तगड़ा देती है, लेकिन बहुत ये एकदम छोटी है बकरी के जैसे। और देखिए इसका सुंदरता, और ये लगता है कि एचएफ की लगभग 100% है, ये एचएफ की 100% है। देखिए इसका निकला हुआ है, ये एचएफ जो है देखिए इतना पर रहता है उन लोगों का। हाँ ये भी दोगली है मिक्स, मतलब ये भी थोड़ा सा मिक्स है, 80% है एचएफ की, पूरा नहीं है, 100% नहीं है। तो अब जब बड़ी होगी तो पता चलेगा। लेकिन दोस्तों यही था गुड न्यूज आप लोगों को। और उधर पवन जी आए हुए हैं तो हमको बाज़ार जाना है, हमें गुड़ लेना है, संतावरी लेना है, कई गो चीज़ लेना है, तो अब कुछ बताएंगे नहीं और नहीं कुछ दिखाएंगे, तो जो भी लेना है वो चुपचाप हम जा करके ले लेंगे। तो अभी वो गाड़ी से आएंगे, क्योंकि हम फ़ोन किए हैं उनको भी कि आप आइए, चलते हैं बाज़ार। बाज़ार से और कुछ लाना है तो बता दीजिएगा पूरा। और दोस्तों देखिए कई तरह से लोग कमेंट में भी दवाई बता रहे हैं, और गांव घर के लोग, पड़ोस के लोग, सभी लोग भी दवाई बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। एक आदमी बोले हैं कि उसके सिर पे तेल रखिए सरसों का, और सिंदूर रखिए, तार, मतलब हम लोग यहाँ बोलते हैं तार गर्म हो जाता है चहुआ, ये तो उससे आराम मिलेगा, राहत मिलेगा, तो रख दीजिए और थोड़ा तेल डालिए। मतलब यहाँ पे तेल और सिंदूर रखने से इधर कोई फर्क पड़ता है, बहुत से लोग बोले हैं, तो उसको भी हम लोग करके देख रहे हैं। जो आदमी बता रहा है वो कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारी गायें खाए, लेकिन कोई फर्क नहीं। अब बच्चे लोग उधर खेल खेल रहे हैं, बचपन वाला, बॉम्बे से चिट्ठी आई रास्ते में गिर गई, कोई देखा है, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं वैसा नहीं करिए, यहाँ और तेल डालिएगा। हाँ है, तो देखिए दोस्तों यहाँ तेल और सिंदूर भी डाले हैं हम लोग कि उससे कहीं ठीक हो। और ये देखिए दाना, और इधर दाना भी है, और ये देखिए बकरी लोग आके दाना खा रहा है, लेकिन ये नहीं खा रही है। तो चलते हैं दोस्तों उधर, और दिखाते हैं आप लोगों को, बताते हैं कि क्यों हमारे घर आग लगा था, क्यों यहाँ आग लग गया पूरा। और देखिए ये पूरा यहाँ एक झोपड़ी बनाना पड़ा था हम लोगों को, बड़ा सा, और उसको जलाएं हम लोग रात में, तो क्यों जलाए थे। और देखिए इधर बच्चे लोग खेल खेल रहे हैं, बॉम्बे से चिट्ठी आला, हमारी छोटी भी इसमें खेल रही है। हाँ छोटी क्या खेल रही हो, कौन सा खेल हो रहा है,
है। मारो नहीं, ये कौन सा खेल है? नहाई हो, चल चल दादाजी के पास चलो, दादाजी के पास चलो। हाँ देखिए पिताजी यहाँ सोए हुए हैं। तो दोस्तों अभी बता रहे हैं आप लोगों को कि हमारे यहाँ जो ये गाय बच्चा जन्म दी है बछिया, तो ये भादो का महीना है, सावन भादो कुआर कार्तिक ये सब गांव में जोड़ा जाता है, जनवरी फरवरी अगस्त सितंबर ये सब नहीं, तो ये सितंबर है, सितंबर है दोस्तों। तो सितंबर का महीना हम लोग भादो बोलते हैं। तो भादो में गाय का बच्चा देना थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, थोड़ा सा कोई नियम उसमें करना होता है, तो इसलिए किसी घर को जो भी घर हो उसको आग लगा के फूंकना पड़ता है। तो दोस्तों एक ही घर है, उसको फूंक देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे? और तालाब घर में एक डूबा हुआ है, तो इसीलिए दूसरा एक घर छोटा सा बनाए हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी में, और जब बच्चा दी तो उसको इसको मतलब फूंकना होता है, जब बच्चा दे दे जन्म हो जाए उसके बाद तुरंत इसको जलाइए, और जलाने के बाद जलते हुए में आग के अंदर से बच्चे को लेके पार होना है। तो पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम बच्चे को लेकर के बीचों बीच आग से पार हुए, तो यहाँ जल गए हैं और यहाँ पाँव में झलका हो गया है, जल चुका है, और यहीं से भाग करके अपने मम्मी है यहाँ से सीधे पानी में गए, मतलब उस बछिया को पानी में फेंक देना होता है कि संकट सब कटे, तो उसको पानी में वहाँ हम फेंक दिए, और इतना पानी था यहाँ पर फेंक दिया अंधेरे में ला करके और डूब गए अंदर पानी के, तो इतना पानी था उसमें तैरने लगी, फिर उसको छान करके बाहर लेके चले गए। तो यही रीज़न है दोस्तों, मतलब गांव देहात में ये सब किया जाता है, अगर भादो में बच्चा दे गाय तब सितंबर में, और भैंस माघ में अगर बच्चा देती है वो फरवरी का महीना जनवरी फरवरी में, हाँ तब उसको अशुभ माना जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आग लगाना पड़ा दोस्तों, और गुड न्यूज़ के साथ साथ बैड न्यूज़ भी है कि हमारी गायें नहीं खा रही हैं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे बाज़ार, पवन जी आए हुए हैं, फ़ोन किए अभी आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे बाज़ार। और छोटी को देखिए क्या कर रही हो, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, यार छोड़ दो। और देखिए इसको इसको पलट दिए हैं अर्चना के मम्मी, और इसमें भी कुछ एक आदमी कुछ बना के दिए हैं ओझा सोखा, तो इसको भी आज ही से जलाएंगी, और इधर टोकरी में रख दिए हैं उसको, हाँ इसमें जलाइए, मतलब कुछ भी टोटरम कुछ भी कर रहे हैं हम लोग की जिससे हमारी गायें खाए। देखिए अब इसको ये करेंगे और हम चलेंगे बाजार, बाजार से आएंगे तो इसका मिल्किंग करेंगे और उसका भी मिल्किंग करेंगे। दोस्तों देखिए हम लोग तैयार हो चुके हैं बाजार जाने के लिए, पवन जी आ गए हैं और चलते हैं, गाय लोग तो खा ही नहीं रहा लेकिन जा रहे हैं, कुछ उन लोगों के लिए कच्चा हल्दी और संतावरी कई को चीज़ें ले करके आना है बाज़ार से, तो बाज़ार जाएंगे चलिए। और दोस्तों देखिए हम बाज़ार कर चुके हैं इधर, और पवन जी भी साथ में हैं, तो बाज़ार से हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, और लेट हो गया है, गाय का दूध निकालना है, दोनों गायों का दूध निकालना है, तो उन लोगों के लिए गुड़ और हल्दी कई को चीज़ खरीद लिए हैं जो अभी आप लोगों को घर चल के दिखाएँगे। तो चलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी घर, और उधर अंधेरा रहता है हमारे तरफ तो थोड़ा दिक्कत होगा दूध निकालने में, चलिए चलिए भाग। दोस्तों देखिए हम रास्ते में रुके हुए हैं, बाबू का मिठाई लेना है, तो अभी इधर आ रहे हैं, देखिए इधर पान का दुकान है, भैया थोड़ा आइएगा, ये इधर से लेंगे थोड़ा सा फिंगर दे, और देखिए इधर पैसा दे दिया है भैया को, और इसमें से निकालना है तो शायद चल कर ही निकालना पड़ेगा, हाँ थोड़ा फाड़ के दे दीजिए भैया, एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, धन्यवाद भैया, चलते हैं दोस्तों हो गया। और दोस्तों देखिए हम बाज़ार से आ गए और पवन जी अपने घर चले गए, और ये देखिए छोटी को क्या कर रही हो, अब मिठाई लाए हैं तो खा रही है, देखिए फिंगर लाए थे, उधर कहाँ जा रही है अंधेरे में, ये देखिए दुकान की तरफ जा रही है, चलो इधर चलो, हाँ पकड़िए इसको। तो दोस्तों झोला वोला रख दिया हम,
और कुल सामान वामान लाए हैं, हल्दी गुड़ ये सब चीज़ संतावरी वगैरह, तो उसको खिलाएं पिलाएंगे। और अभी एक चाचा जी दूध निकालते हैं उसका तवरिया का, तो आएंगे थोड़ी देर बाद में, तो देखते हैं उसका मिल्किंग करवाते हैं। और इसका गौरी का तो अपने हाथ से ही करते हैं, तो अभी बाद में वो आएँगे, बोले हैं कि बाद में आएँगे, तब तक हम कुछ तैयारी कर लें, इन लोगों का बर्तन वर्तन धो लें, बाल्टी वल्टी सब फिट कर लें। क्या खा रहे हो बाबू, उधर दिखाओ फिंगर, अभी बाज़ार से हम जो लेके आए हैं वही फिंगर है। और दोस्तों देखिए चाचा जी आ गए हैं, उधर बैठे हुए हैं और इधर इसको खिला रहे हैं हम लोग, इधर लाइए थे देखिए, और कितना छोटी सी है और एकदम क्यूट है, बहुत सुंदर है, देखिए कैसे पी रही है। इन लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है दो दिन उसके बाद अपने आप ढूंढ लेगा कि दूध हमारा कहाँ है, दो दिन तक थोड़ा परेशान करता है बच्चा लोग। और देखिए शीतल इसको ये अतवरिया इसको चाट रही है कैसे, बाबू खड़ा होकर दिखाइए, ए चैन से रहा ना हो, लड़ाती आई स्टार्ट। अभी देखिए गौरी का मिल्किंग बाकी है, अभी इसको पहले इसका मिल्किंग करा देते हैं, उसके बाद उसको हम अपने हाथों से दूहेंगे। जैसे दो तीन दिन तक हम नहीं दूहते हैं नए गायों को, चाचा जी आते हैं तो यही हमारे जितने गाय हैं सब यही शुरू से धार और फोड़ना ये सब करना यही करते हैं। तो जब एक हफ्ता ये दूहेंगे दो चार दिन, तो फिर उसके बाद हम भी दूहना स्टार्ट कर देंगे। इसमें बहुत भेदभाव होता है इसीलिए। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जान गए कि क्यों हमारा घर जला था, कारण क्या था, तो इस वीडियो में हम बता दिए कि इस कारण से हमारा घर जला था, तो सब आप लोग जान ही चुके हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय गौ माता, जय जय सीताराम, हर हर महादेव।